ये हमने शास्त्रों से लिया है कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो, कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है कि दवाई ना हो, और फिर ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा अयोग्य नहीं है। लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो बच्चे की पर्सनालिटी को अंदर से समझ करके उसको एक विशेष व्यक्तित्व बनाए और जीवन में सफल बनाए। जैसे ये दूसरा पोस्टर है, नर्चर द नेचर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का पालन पोषण उसकी प्रकृति के अनुसार करें। हर बच्चा एक बीज है और उस बीज के अनुसार ही उसको हवा पानी, खाद पानी, एनवायरमेंट, धूप इत्यादि दी जाए। हर साल डिक्लेयर होता है कि फिनलैंड की शिक्षा पद्धति विश्व में सबसे अच्छी बताई जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो अध्यापक बनता है, टीचर बनता है। ये भारत की ली हुई चीज है। अध्यापक की सैलरी हाईएस्ट है। अध्यापक कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर कोर्ट में चला भी गया किसी कारण तो जज खड़ा हो जाएगा कुर्सी। लेकिन अगर वहां भी 70-80% डिवोर्स रेट है, देखिए 80% डिवोर्स रेट का समाज क्या होगा? बच्चे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो भारत की जो समस्या है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। दोस्तों, नेक्स्ट टू टीवी में आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो भारत में एक ऐसा जीवा ग्रुप के नाम से एक ऐसा संस्थान चला रहे हैं जो ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है देश में, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। आज उसी जीवा ग्रुप के डायरेक्टर ऋषि पाल चौहान जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद राजेश जी। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो देश के हर व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट की बात इसलिए है कि वो आपके बच्चों के एजुकेशन से जुड़ी हुई है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, आपके बच्चों के व्यवहार से जुड़ी हुई है, इस समाज से जुड़ी हुई है, इस समाज में होने वाली तमाम ऐसी कुरीतियों से जुड़ी हुई है जो इस समाज में लगातार हो रही है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, भारत सरकार ने, ये नई सरकार आई तो इस नई सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन दोस्तों, ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है ना, इसको लागू करने में गवर्नमेंट को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। उसके विद्वानों ने बना तो दी वो पॉलिसी, लेकिन वो पॉलिसी कैसे लागू हो उसमें समस्या आ रही है। और उसी पॉलिसी को लागू करने में सरकार की हेल्प की है वो शख्सियत हमारे साथ हैं, और आज हम उनसे इसी तरह से बात करेंगे कि भारत सरकार ने जो पॉलिसी बना तो दी, उसे लागू करने में कैसे समस्या आई, और वो अपने जीवा ग्रुप के जो स्कूल हैं पिछले 20 साल से उस पॉलिसी को वहां चला रहे हैं, और जैसे ही पता चला उनके बारे में तो सरकार बड़ी इंप्रेस हुई। क्या क्या उस स्कूल में, जो उनके जीवा ग्रुप के स्कूल हैं, क्या क्या किस तरह की पॉलिसी है और सरकार ने किस तरह से उसे लागू करने के लिए यहां तमाम जो देश के स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, एक वेबिनार की है। क्या क्या हुआ है पूरा, क्या एजुकेशन पॉलिसी है, किस तरह से प्रैक्टिकली वो लागू की गई, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को बना तो दिया लेकिन लागू करने में कैसे समस्या आई और आप कैसे उनसे जुड़े? देखिए, भारत के आगे आने वाली पीढ़ी या करंट जो नागरिक है वो भारतीयता में विश्वास करें, भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान, कला, विज्ञान, ट्रेडिशंस, हमारे रीति रिवाज, उसमें हम विश्वास क्यों करें, उसका एक कारण है। क्योंकि जो पाश्चात्य देशों की फिलॉसफी है वो इस संसार को आगे बढ़ाने में
विफल है, जैसे कि नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ मैटर, पदार्थ ज्ञान के द्वारा समाज का पोषण करना। तो हम पोषण किस चीज से कर रहे हैं? तेल निकाल लिया, कोयला निकाल लिया, लोहा निकाल लिया, वन काट दिए, पहाड़ काट दिए, नदी प्रदूषित कर दी, राइट। तो हमने जो पंच तत्व होते हैं वो सब दूषित कर दिए। प्राणवायु दूषित हो गई, जल दूषित हो गया, भोजन दूषित हो गया, तो बीमारियां आएंगी। बीमारियां कह रहे हैं कि हमारी मेडिकल साइंस बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर मेडिकल साइंस बढ़ती जा रही है, शिक्षा बढ़ती जा रही है, तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, छोटे बच्चे बोर हो रहे हैं, आज स्कूल के बच्चों को ओवरवेट हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, हर व्यक्ति को एसिडिटी, फैटी लीवर, भारत में 80% लोगों को फैटी लीवर हो गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। भारत जहां पर सूर्य देव की कृपा है वहां पर विटामिन डी की कमी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आज विश्व की हालत देख लीजिएगा, युद्ध चल रहे हैं दुनिया भर में, राइट। बिल्कुल। तो मानव मानव को मार रहा है। तो भारत की जो शिक्षा पद्धति थी या ज्ञान विज्ञान था वो था नर्चरिंग द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ सेल्फ, सब ज्ञान के द्वारा। इसलिए हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सब जमा तंत्र सिस्टम ऑफ द सेल्फ। पहले अपने आप को तो समझ ले भाई। बिल्कुल राइट। स्वाधीनता संग्राम हुआ, मैं तो अपने अधीन हूं। जब लॉर्ड मैकाले ने भारत भ्रमण किया तो उसने कहा कि ना तो मुझे एक बेगर मिला इस देश में, ना एक अशिक्षित व्यक्ति मिला। ये उसने अपनी क्वीन को चिट्ठी लिखी। बिल्कुल। और ये कहा कि भाई इन लोगों को सरकार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हर गांव हमारा एक सरकार था। हर गांव में एक बढ़ई है, एक लोहार है, एक कुलाया है, एक ब्राह्मण है, सब चीज वहीं पर है, जुड़े हुए। दूसरा हमारी जो संस्कृति, जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया कि जैसी भूमि है और जो वहां अन्न उगता है उसी के अनुसार अपनी इकोनॉमी बनाइए। तो इसलिए हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहरावे, जैसी मिट्टी वैसा देश। बिल्कुल। वैसा भेष, आप समझिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये यूनिवर्सलाइजेशन करते हैं कि सबका खाना एक जैसा, सबका पहनावा एक जैसा, सब। जब भगवान ने हर बच्चे को अलग बनाया है, यूनिक बनाया है, राइट, अलग एनवायरमेंट में रहता है। देखिए 800 करोड़ लोगों में से मुझे बताओ किसी की शक्ल मिलती है? कभी नहीं। किसी के थंब इंप्रेशन मिलता है? मिल ही नहीं। किसी की आयरस मिलती है? हो ही नहीं। सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट, कोई एक भोजन पसंद करता है। एक ही परिवार के 8 लोग, उनकी अलग अलग क्रियाशैली है, क्रियाकलाप है, अलग अलग उनकी पसंद है, राइट। तो आप उनको एक तरीके से ही कैसे सुखी, ले सकते हैं, सुखी और संपन्न बना सकते बना सकते हैं। तो भारत के अंदर जो गुरु शिष्य परंपरा थी, राइट, या जो भारत के अंदर शिक्षा पद्धति थी, देखिए मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर जो वैद्य था वो दवाई के पैसे नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु जो है, जो शिक्षक था, वो तनख्वाह पर नहीं पढ़ाता था। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले विक्टोरिया कॉलेज बनारस में खोला, वाराणसी में, जहां शिक्षकों को भ्रष्टाचार के द्वारा तनख्वाह दी, तो वहां किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे गुरु से शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहता था जो तनख्वाह लेके पढ़ाता। लेकिन आज जो ये सारा प्रॉब्लम की जड़ है कि टीचर और बच्चे का रिलेशन खराब हो गया, पेरेंट और टीचर का रिलेशन खराब हो गया। तो आप अपना ज्ञान उस व्यक्ति को देंगे जो आपके प्रिय है, सच्चाई है, और टीचर चाहता है ट्यूशन लग जाए, ठीक है ना, स्कूल संचालक चाहते हैं कि प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो शिक्षा एक ऐसा व्यापार बन गया, एक प्रकार का व्यापार बन गया कि जब कोई व्यक्ति स्कूल खोलता है तो प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपने जिस तरह से आप अपने स्कूल्स में एक ऐसी पॉलिसी आपने जो भी बताई
इसके अकॉर्डिंग जो हमारे वेदा हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो बच्चों का नेचर है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, उसके अकॉर्डिंग आप पिछले 20 साल से यहाँ एजुकेशन दे रहे हैं, तो आपका इस एजुकेशन से जो भारत की शिक्षा नीति बनी, उन लोगों से मिलाप कैसे हुआ? तो उसके पीछे कहानी है। हाँ, 1978 में मेरे छोटे भाई जिन्होंने एमटेक आईआईटी दिल्ली से किया, हाँ, और पीएचडी संस्कृत में है, वो एलएलबी है, और बहुत से जो हमारे भारतीय सब्जेक्ट है आध्यात्मिक में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, तो वो अमेरिका गए नौकरी करने और 83 में वो वापस आ गए और बाबा जी बन गए। हाँ, मैं जानता हूँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ कुछ अपूर्ण है, वहां का जो अमेरिका का सिस्टम है कुछ ठीक नहीं है। हाँ। तो हम गांव के मंदिर में बैठे थे, अच्छा, और हम ये डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने पूछा भाई क्या चीज ठीक नहीं है, सब लोग तो अमेरिका जाना चाहते हैं, तो वहां से भाग के आ गए। कहते हैं कि वहां पर लोगों को शारीरिक सुविधाएं हैं, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर वो सफर करते हैं। ओहो, देखिए कितनी बड़ी बात कही है। तो हमने कहा यार भारत में लोग फिजिकल सफर करते हैं, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छे कार नहीं है चलने के लिए, अच्छी सड़कें नहीं है, राइट, संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इमोशनली और स्पिरिचुअली आदमी को बहुत सपोर्ट है। सपोर्ट, अगर आपके घर में कोई मुसीबत आ गई तो पड़ोसी हेल्प करने आ जाएगा, रिश्तेदार मिलने आ जाएंगे, आप बीमार हो गए, राइट, यही भारत का कल्चर है। तो हमने कहा कि यार क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें दोनों वर्ल्ड्स के बेस्ट चीजें हो। अच्छा, भारत का ज्ञान विज्ञान और कला लो और पाश्चात्य देश की टेक्नोलॉजी लो और मिला करके एक संस्था बनाओ। ठीक है, तो ऐसे जीवा का जन्म हुआ। तो अब ये इस शिक्षा पद्धति पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इस पर हम कैसे पहुंचे कि फिर हमने अपने गुरुजी से श्री हरिदास शास्त्री महाराज जो 14 सब्जेक्टों में बनारस से पढ़े हुए थे उनसे हमने दीक्षा ली। तो उनसे हमने पूछा कि अब हम क्या करें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्वस्थ संपन्न और निर्भय समाज की स्थापना कीजिए और शिक्षा के द्वारा बदलाव लाइए। तो हमने कहा भाई शिक्षा के द्वारा बदलाव लाएं तो आयुर्वेद में भी आप देखेंगे हमारा कोई प्रोडक्ट किसी दुकान पर नहीं मिलता, क्योंकि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, पर्सनलाइज्ड ही एजुकेशन है और पर्सनलाइज्ड ही गुरु और शिष्य का संबंध है। तो भारत का पूरा ढांचा ही पर्सनलाइज्ड है, राइट, माँ के 5 बच्चे हैं, पांचों से अलग अलग तरह के रिलेशन है माँ के, बिल्कुल राइट, पर्सनलाइज्ड है, ये बेटा ऐसा है, ये बेटा ऐसा है, ये बेटा ऐसा है, ये यहाँ ठीक है, ये यहाँ ठीक है, इससे ये काम कहूंगी, इससे ये नहीं कहूंगी। आप गांव की बात ले लो भाई साहब, बिल्कुल हर परिवार की है, हर परिवार गांव की नहीं शहर की भी है, तो सर हर जगह हमारी संस्कृति है जी। तो फिर हमने सोचा कि यार ये तो हमें 3 डिवीजन बनाने होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति। तो फिर हमारे पास तो पैसा एक भी नहीं था, फिर मैं अमेरिका गया, अच्छा, और मैंने वहां थोड़ा धन एकत्रित किया और फिर हमने शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। अब जो हमारे गुरुजी ने कहा गया शिक्षा के द्वारा बदलाव लाओ, इसके पीछे बात क्या है? अच्छा, शिक्षा के द्वारा क्यों बदलाव लाए भाई? तो हमने ये पाया और कुछ और देशों की भी हमने शिक्षा पद्धति अध्ययन किया कि हम बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं नर्सरी में तो उसकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं जूते ऐसे बांधो, बॉटल यहां रखो, टाई ऐसे लगाओ, किताब ऐसे पकड़ो, टेबल पर ऐसे क्यों बैठ गए? तो अब वो एक पपेट हो गया, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, बस उसी में जी रहा है। लेकिन वो कैसे बैठना चाहता है, चाहे वो गलत हो उसका बैठने का तरीका, उसकी अपनी लेकिन सोच उसकी ही खत्म, जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी सोच है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो हम दबाते हुए चले जाते हैं, उसकी सोच ही खत्म कर दी। इसलिए बीए कर ली, फिर कहता हूं पापा मैं क्या करूं, बीए तूने की है, अब पापा से, क्योंकि स्किल तो कोई है नहीं, नौकरी क्यों नहीं मिलती? कोई स्किल हो, भारत में नौकरियों की थोड़ी कमी है, सच्चाई कमी है तो उस जॉब पर प्रोफेशनल्स की कमी है,
स्किल क्या चाहिए उस चीज की कमी है, राइट? तो स्किल ना स्कूल में मिलती ना कॉलेज में मिलती, बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजों ने, लॉर्ड मैकाले ने ये सिस्टम बनाया हमारी पुरातन जो शिक्षा पद्धति थी उसको खत्म करके कि मार्च में याद करो अप्रैल में भूल जाओ और क्लर्क बन जाओ, तो क्लर्क क्या करेगा, ये ऐसे ही लिखना है, ये फाइल ऐसे ही रखनी है, राइट? तो दासत्व आ गया, हाँ, स्लेवरी आ गई। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट, अगर आप बैग टू स्टेट नहीं लिखेंगे तो आपकी छुट्टी की, हमें याद है, हमें स्कूल में पढ़ते थे तो हम लिखते थे, यही लिखना पड़ता था एप्लीकेशन में, डियर मैम विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट दैट आई हैव ए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माय होम सो प्लीज अप्रूव माय वन डे लीव। देखिए, राइट, तो सेवन स्टेज सिस्टम इन्होंने बनाया कि फाइल यहां जाएगी यहां जाएगी और हर जगह आप सर सर सर, तो आपके खून में ही स्लेवरी आ जाएगी। तो आज जो आजादी के बाद ये सिस्टम इतनी तेजी से बढ़ा कि हर स्कूल ये कहता मेरा तो 100% रिजल्ट है, लेकिन उसमें देखिए हर पेरेंट चार चीज चाहता है कि मेरा बच्चा हेल्दी रहे, बिल्कुल, मेरे बच्चे के अंदर वो स्किल आए कि वो खूब धन कमाए, मेरा बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन्ड बने और मेरा बच्चा परिवार में समाज में परिवार में प्यार से रहे, लेकिन ये चारों चीजें कहां मिल रही हैं? वहां तो नंबर मिल रहे हैं और पेरेंट भी ये देख रहे हैं कि कितने परसेंट नंबर आए, यही बात होती है हर जगह, राइट? बच्चे ये बच्चों की यही बताते हैं माँ बाप की, मेरे बच्चे कितने परसेंट नंबर आए, उसमें कम है तो ट्यूशन लगा दो, अब ट्यूशन भी उस सब्जेक्ट में लगाएंगे जिसमें कमजोर है, बिल्कुल, जबकि ट्यूशन उसमें लगाना चाहिए, अगर लगाना है कोचिंग उसमें दिलाओ जिसमें वो बेस्ट है, बेस्ट है। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम विराट कोहली को फील्डिंग की उसकी बैटिंग की कोचिंग दोगे या बॉलिंग की दोगे, राइट? तो वो तो बेटर है, वो तो बेटर है, तो तुम बॉलिंग की देने लगो उसको तो फिर क्या, उसका क्या फायदा? वही ठीक है। तो अभी आपने ये स्कूल में लागू कर दी अपने यहाँ, तो आप इसे 20 साल से चला रहे, लेकिन भारत की जो पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी, जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद तो ये बिल्कुल नहीं हुई, तो अभी सरकार ने कम से कम बनाई ये सोच के, तब पहले आपके बारे में नहीं जाना था, लेकिन लागू करते वक्त आपके बारे में पता चला, वो कैसे पता चला? नहीं, देखिए हमने अरनेट प्रोजेक्ट किया, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्किंग, जब भारत में इंटरनेट कनेक्शन आया तो ये प्रोजेक्ट हमें मिला, मेरे घर के ऊपर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से डायरेक्ट कनेक्शन था, 250 रुपए पर आवर उस समय इंटरनेट का वो होता था, फीस थी, राइट? हमने पुस्तकें लिखी, आईकॉट लॉन्च किया, इंडियाज कैरिकुलम ऑफ टुमारो, ठीक है, कि भारत का भावी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए 2000 में, शम्मी कपूर यहाँ आए, अमर सिंह आए, डॉक्टर करण सिंह आए, बिल्कुल, लेकिन उस समय क्योंकि सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं था, राइट? हर कंप्यूटर की पुस्तकें सबसे पहले हमने लिखी भारत में, कंप्यूटर एज ए रिसोर्स, भैया कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर रिसोर्स है, उसको रिसोर्स की तरह स्किल दो बच्चों में, राइट? लेकिन हम इस तरफ क्यों गए, और जो राष्ट्र की शिक्षा नीति और हमारी जो जीवन लर्निंग सिस्टम वो समरूप क्यों है, क्योंकि हमने उस समस्या को पकड़ा, ठीक है, जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति दी और जो हमारे देश का पुरातन शिक्षा पद्धति थी, पर्सनलाइज्ड स्किल बेस्ड, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पूरे विश्व के अंदर एक भी देश ऐसा नहीं है जहां कारपेंटर जिसको हम बढ़ई कहते हैं, ब्लैक स्मिथ जिसको हम लोहार कहते हैं, गोल्ड स्मिथ जिसको हम सुनार कहते हैं, बार्बर जिसको हम नाई कहते हैं, राइट, और जुलाहा जो वीविंग बुनाई करता है, पॉटर जो कुम्हार है, ये जातियां नहीं है, ये स्किल है, स्किल बेस्ड थे सभी लोग, बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको जाति बना दिया, देखिए कि ये कुम्हार जाती है, ये सुनार जाती है, ये लोहार जाती है, बढ़ई जाती है, लोहार ये नाई जाती है, और जाति संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल। तो एक स्किल के आदमी इकट्ठे करके
उनकी एक जाति बना दी, एक ग्रुप, और फिर ये कहा कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहिए। अब किसान कोई जाति थोड़ी है, सही बात है, किसान तो प्रोफेशन है, सुनार कोई जाति थोड़ी है, वो तो एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन है। तो जब सुनार का बेटा सुनार ही नहीं बनेगा, किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, लोहार का बेटा लोहार नहीं बनेगा, वो कहो पढ़ोर नौकरी करो, तो वो स्किल को खत्म कर दिया भारत से। आप समझिए बुद्धिमत्ता, राइट, और समाज को डिवाइड कर दिया। और फिर ये कहा कि ये इनका तो शोषण हुआ है, पोषण हुआ है। अब ब्राह्मण तो बिगर तनख्वाह के पढ़ाएगा, क्षत्रिय युद्ध करेगा, लड़ेगा, मरेगा, बिगर तनख्वाह के करेगा, और ये स्किल वाले लोगों को सबको काम मिलता था और काम के बदले दाम मिलता था। इस तरह से जुड़े हुए थे वो लोग। आप सबको याद होगा कि जो गांव का बढ़ई होता है, गांव का नाई होता है, उन लोगों को जब किसान की फसल आती थी ना, उसका अनाज उस मिलता वक्त था। वो अनाज लेने वहां पहुंचते थे, फसल जैसे ही उगती थी, जैसे ही कटती थी, तो वहां वो अनाज लेने पहुंच जाते थे। तो जो समाज का, उस समाज का हर व्यक्ति था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, कोई भूखा नहीं मरता था उस वक्त, किसी के पास ऐसा नहीं था कि जैसे आज लोग भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। अगर किसी के पास दूध नहीं है तो हर त्योहार पर उसके यहाँ दूध खुद पहुंचा दिया जाता था, अगर किसी के पास भोजन नहीं है तो उसके पास भोजन पहुंचा दिया जाता था, ऐसी संस्कृति थी। वो संस्कृति को समझकर बढ़ावा दिया जा रहा है जीवा में और जीवा के स्कूलों में, उस तरह से समझ के स्कूल की शिक्षा को डेवलप किया गया है। लेकिन सर पहले से ये कम से कम इस गवर्नमेंट ने सोचा इसके बारे में कि ये पहली बार ऐसा आया है, बहुत अच्छा सोचा है। तो क्या कहेंगे आप जो इन्होंने सोचा है लेकिन उसको लागू नहीं कर पा रहे, तो आपने कैसे समझाया उनको? देखिए देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक है ज्ञान और एक है विज्ञान, ठीक है ना। तो अगर जो व्यक्ति इसको बना रहे हैं या जो अधिकारी बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दूसरे ही सिस्टम से सब लोग पढ़े हैं। अब हमें तो भगवान ने एक सरकमस्टांसेस दे दिया, गुरु ने आदेश दे दिया कि ये करो, तो हम तो 42 साल से ना बाजार गए, ना हम जमीन पर सोते हैं, ना हम तो हमारा एक उद्देश्य बन गया। और इस पर हम तीन भाई हैं, डॉक्टर प्रताप चौहान आयुर्वेदाचार्य, उन्होंने शादी नहीं की, मेरे दूसरे छोटे भाई, उन्होंने कितनी पुस्तकें, अभी एक पुस्तक लिखी है नॉन ट्रांसलेटेबल संस्कृत वर्ड, तो वो रटगर्स यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर है, राइट। तो जीवन पूरे परिवार ने दिया 40 साल, अगर 1983 से आज अगर हम कहें कि अगस्त 2024 में हम ऐसे व्यक्तियों से मिले और उन्होंने कहा भाई तुमने तो कमाल कर रखा, चलो एक यहाँ पर सेमिनार करते हैं आपके स्कूल में, हमें अगर वो ना मिलते तो हम तो अपना काम कर रहे थे, हमें थोड़ी पता था कि भैया ये क्या है। अच्छा, आपके पास गवर्नमेंट के लोग आए सेमिनार करने के लिए? हाँ, यहाँ पर हुआ ना, एनसीईआरटी के चीफ थे, और दूरदर्शन की हेड थी प्रिया कुमार जी जो थी, तो वो लोग यहाँ थे, स्कूलों के अधिकारी थे, और 600 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे पूरे देश से। वो यहाँ इसलिए जुड़े हुए थे कि वो सीखना चाहते थे कि जीवा स्कूलों में किस तरह से ये शिक्षा दी जाती है। जी राइट। तो फिर सीखा वहां, फिर आपकी उनसे कैसे मुलाकात हुई, कहां किस लोगों से कैसे कैसे आप मिले, कहां कहां? मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली कहीं बैठा हुआ था, तो वहां पर ऐसी शिक्षा की बात आई, तो अनीता शर्मा जी ने मेरे से ये प्रश्न किया कि भाई आप सरकार से मिले हैं, मन की मैं तो नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है आपने क्या किया, मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम मैंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपने पर्सनलाइज्ड स्किल और वैल्यू एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से कैसे पढ़ाया जाए वो आपने किया,
तो फिर वो स्कूल हमारा देखने आई और फिर उन्होंने जो है आगे ये प्लान बनाया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के साथ एनसीईआरटी के साथ मिलकर के कि भाई ऐसे 10 अगस्त से 25 अगस्त तक 11 से 12 3 से 4 वेबिनार दी जाएंगी और फिर एक सिंपोजियम सेमिनार आपके स्कूल में होगी और वहां जो लोग आएंगे वो आएंगे और ये ऑनलाइन भी जोड़ा जाएगा। तो वो लोग यहाँ आए, यहाँ प्रदर्शनी हमने लगाई, बच्चों ने लगाई, टीचर्स ने, और बातचीतें हुई तो न्यूज में ये बातें गई। फिर अब हम भी दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं कि भैया आप भी लगाओ इसको। कल मैं स्किल यूनिवर्सिटी जो है हमारी यहाँ श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी उनके जो वाइस चांसलर हैं राज नेहरू जी उनसे मिला, उन्होंने कहा कि हम इसमें साथ में मिल करके काम करेंगे। और फिर मैं वापसी में हमारी जो जेसी बोस यूनिवर्सिटी है उसके जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर एस के तोमर जी उनसे मिला और काफी लोगों से सरकार में भी एडिशनल सेक्रेटरी से मुलाकात हो रही है तो सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत से लोग चिट्ठियां दे रहे हैं और लोग स्कूल के ऑनर्स भी इसको लगा रहे हैं और आगे और भी कह रहे हैं कि अभी स्कूल साल का बीच है, अगले साल से सौ स्कूलों ने प्रॉमिस कर दिया कि अप्रैल से हम इस शिक्षा पद्धति को अपने स्कूल में लगाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो ये शिक्षा पद्धति है सरकार ने भी अभी उस पर एक्शन ले लिया है, क्या ये वाकई समाज में एक ऐसा बदलाव ला सकती है जहां बच्चे स्किलफुल हो जाएंगे? देखिए सबसे पहला है कि बच्चा अनुशासित हो जाए। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा सुनता नहीं है। वो क्यों है? बच्चे का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा हो गया, बच्चा टेलीविजन का हो गया, बच्चा मोबाइल का हो गया, बच्चा जो है जो माँ बाप कहते हैं कि हम तो ऐसे पालन पोषण हुआ था। जब देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तीन चीजों की आवश्यकता होती है, एक भोजन, बिल्कुल, एक नींद और एक प्यार। वाकई राइट, भोजन तो माँ देती है लेकिन एक चीज मैं पेरेंट्स को कह देता हूं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि एक आप अपने बच्चे को मुंह से भोजन कराते हो, एक बच्चा कान से भोजन ले रहा है, एक बच्चा आंख से भोजन ले रहा है, नाक से भोजन ले रहा है, टच करके, जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमारे माइंड को भोजन देती है और जैसा भोजन मिलेगा वैसा ही बच्चे के चित्त में संस्कार जाएगा और वैसे ही वो कर्म करेगा। तो प्लीज बच्चों को वही चीज दिखाओ टेलीविजन पर मोबाइल पर जो आपके संस्कारों के अनुसार है, जो भारत की भारतीयता के अनुसार है। ये पाश्चात्य देश, मेरे साले की बिटिया ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया न्यूयॉर्क में, वो 11th क्लास में है, अभी वीडियो उसने भेजी है कि भारत अमेरिका के अंदर 81% बच्चे नेगेटिव प्रेशर से सफर कर जूझ रहे हैं, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, अलग अलग परसेंटेज राइट। तो भारत भी उधर ही जा रहा है धीरे धीरे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा नीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यही भारत का एक टर्निंग पॉइंट होगा, यही भारत को दोबारा विश्व गुरु स्थापित करेगा और यही भारत को भारतीयता से मिला करके भारतीय जो हमारा लाइफस्टाइल है लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी के द्वारा, हम टेक्नोलॉजी में भी आगे होंगे, हम लाइफस्टाइल में भी आगे होंगे, हम आयुर्वेद में भी आगे होंगे और हम विश्व को गाइड करेंगे, क्योंकि केवल भारत ही विश्व गुरु बन सकता है, करते रहे, क्योंकि भारत के पास ही वो ज्ञान का भंडार है, वो भारत ही राष्ट्र है, हर देश राष्ट्र नहीं होता, देश एक ज्योग्राफिकल लाइन है, राष्ट्र उस देश की वो फिलॉसफी है जो खुद सुख और समृद्धि के साथ पूरे विश्व को सुखी और समृद्ध बनाए। तो
हमारे पास क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, मां कश्चित दुख भाग भवे। हम ये नहीं कहते कि मैं सुखी रहूं, सर्वे, सर्वे नदी नाले पशु पक्षी जीव जंतु सब सुखी रहे। तो ये ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनाइटेड नेशंस उसकी पॉलिसी तो सब यही है, लेकिन स्कूलों में कैसे पढ़ाएं ये समस्या आ रही। ये समस्या का समाधान जीवा ने किया है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि जिन सरकारों को, न सिर्फ भारत सरकार को, पता तो भारत सरकार को था इसलिए देखिए उन्होंने ये पॉलिसी लागू की। वर्ल्ड में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी पता था कहीं ना कहीं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से इस स्किलफुल शिक्षा को लागू किया जाए, प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाए और बच्चों को बताया जाए। जीवा ने वो करके बता दिया। सर अब लास्ट में सवाल ये है कि आज हमारे जो शिक्षित बच्चे हैं भारत में देख रहे हैं कि वही अपराध कर रहे हैं, वही बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं, खास करके स्टूडेंट ही सारे, वजह क्या है इसकी? देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी पिछले 2-3 साल से हर साल डिक्लेयर होता है कि फिनलैंड की शिक्षा पद्धति विश्व में सबसे अच्छी बताई जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो अध्यापक बनता है, टीचर बनता है। ये भारत की ली हुई चीज है। अध्यापक की सैलरी हाईएस्ट है। अध्यापक कोर्ट में नहीं जाएगा, अगर कोर्ट में चला भी गया किसी कारण तो जज खड़ा हो जाएगा कुर्सी। लेकिन अगर वहां भी 70-80% डिवोर्स रेट है, देखिए 80% डिवोर्स रेट का समाज क्या होगा, बच्चे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो भारत की जो समस्या है, जो हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली होती थी, जो बच्चा गांव में 500 लोगों की देखरेख में पालन पोषण होता था, आज एक बच्चा रह गया, ना उसकी चाची है, ना उसकी ताई है, ना उसका ताऊ है, ना उसका मामा है, ना उसकी मामी है, मिल ही नहीं रहा है वो प्यार। तो वो माँ बाप तो नौकरी पे चले गए, तो बच्चा अकेला बच्चा क्या करेगा? फिर उसको मोबाइल दे दो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, फिर या टेलीविजन खोल लो, तो उसमें सारा गार्बेज जो है, बच्चा रेप भी देख रहा है, बच्चा मर्डर भी देख रहा है, बच्चा सारी चालाकी, 4 साल का बच्चा कह रहा मम्मी मैं बोर हो रहा हूं, यार 4 साल का बच्चा कह रहा मैं बोर हो रहा हूं, और बच्चे को कुछ कहते तो कह रहे मैं सुसाइड कर लूंगा। वो कहां से आ रही है, उसके उसके माइंड में ये विचार कहां से आ रहे हैं? ये सारा जो गार्बेज हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो असली समस्या है। तो मैं लास्ट में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, कि जब बच्चे को सुबह स्कूल भेजें तो उसको ये कहकर भेजें, बेटा पढ़ने नहीं सीखने जा, पढ़ने नहीं सीखने जा। और जब स्कूल से आए तो उससे पूछो, बेटा क्या सीखा स्कूल में, विद रेस्पेक्ट टू सेल्फ, या तो सेल्फ को इम्प्रूव करे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दयालु बनूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, वृक्ष लग अदर्स, राष्ट्र का निर्माण करें, समाज में मिलकर के प्यार से रहे, पर्यावरण को शुद्ध रखें। तो फिलॉसफी SOE, सेल्फ अदर्स एंड एनवायरमेंट के अनुसार शिक्षा प्राप्त करें। तीसरा, हर रोज बच्चे से लिखवाइए कि उसने आज क्या अच्छा किया और क्या खराब किया, और नीचे साइन करिए, और जो उसकी कमियां हैं उनको इंप्रूव करने के लिए बोलिए। और चौथा पॉइंट है, परिवार में एक समय का भोजन पूरा परिवार एक साथ बैठ करके खाए, उस समय टेलीविजन बंद हो, उस समय मोबाइल सबके बंद हो, और उस समय परिवार बच्चों से पूछे आज का दिन कैसा रहा, बच्चे माँ बाप से पूछे, माँ बाप अपनी कहानी सुनाएं, अच्छी बात बताएं, 1 घंटा प्रतिदिन, नो टेक्नोलॉजी,
तो ये चार क्रियाएं हर परिवार करे तो देश के अंदर एक बदलाव की तरफ चीज आएगी। बच्चे अपने परिवार को माँ बाप को समझने लगेंगे, बच्चे रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे, चाहे वो सेल्फ के अनुसार सीखे या समाज के अनुसार सीखे या राष्ट्र के अनुसार या पर्यावरण के अनुसार। तो ये हमारा एक अभियान है कि हर परिवार में हर पेरेंट ये चार क्रियाएं करे तो देश में शिक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू होगी और देश में बदलाव आएगा और हमारा देश इस आंधी से, इस तूफान से जो पाश्चात्य देशों की आंधी हमारे देश की तरफ बढ़ती जा रही है उससे भी बचाव हो। जीवा लर्निंग सिस्टम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाया गया है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है भारतीय ज्ञान में भारतीय पुरातन शिक्षा पद्धति के अनुरूप टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बच्चे सफल हों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो जीवा लर्निंग सिस्टम का पहला विश्वास है कि ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन, ग्रोथ अंदर से होती है, ग्रोथ विकास बाहर से नहीं होता। जैसे एक वृक्ष वो जमीन में नीचे की तरफ भी बढ़ता है और ऊपर की तरफ भी बढ़ता है, तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो बच्चे की कल्चर है, बच्चे के ट्रेडिशंस हैं, बच्चे के परिवार की आइडेंटिटी है कि वो किस परिवार से है, उसके क्या पूर्वज थे, राइट, वो किस रीति रिवाजों से पले बड़े और किन संस्कारों से अपने समाज में पल रहे हैं। फिर तना जो है वो प्रीति करुणा और जो उसकी डालियां हैं वो उसके ट्रेडिशन से। लेकिन यदि किसी भी वृक्ष की जड़ कमजोर होंगी तो वो वृक्ष आंधी, बरसात, तूफान, गर्मी, बर्फ, सर्दी में जल्दी ही गिर जाएगा। तो आज बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए, उनको संस्कार देने के लिए, उनको वैल्यू देने के लिए, उनको उनके राष्ट्र की, पूर्वजों की कहानियां पढ़ाने सिखाने में बहुत कमजोर है शिक्षा पद्धति जो हमारी पहले चलती। और वही भारत की आज की मेन समस्याओं का मूल कारण है। तो इसलिए हमने ये जो जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है ये ऐसे बनाया है कि ये नर्सरी से 12वीं कक्षा तक बच्चे इसको प्रयोग कर सकते हैं, प्लस बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, वो हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड है, ICSE, CBSE, लेकिन फिर भी ये सिस्टम उन स्कूलों में लग सकता है। और ना केवल ये भारत के स्कूल, ये विश्व में किसी भी स्कूल में लागू किया जा सकता है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि स्वस्थ, संपन्न और निर्भय, शांतिप्रिय समाज की स्थापना हो। इसलिए हम तीन भागों में काम करते हैं, शिक्षा, आयुर्वेद और संस्कृति। अभी 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं इनको, कि समाज सस्टेनेबल कैसे रहे, और उसके 17 टूल बनाए। तो उनको भी हमारा जीवा लर्निंग सिस्टम साथ में लेकर के चलता है, उनको भी पूर्ण रूप से लागू करता है। इसी प्रकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक संस्था है जिसका हेड ऑफिस जनेवा में है, उन्होंने जनवरी 2023 में जो विश्व के बुद्धिमान लोग हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी में क्या दक्षता निपुणता होनी चाहिए, उनको कैसे शिक्षा देनी चाहिए, उन्होंने ये टूल्स और गोल्स लिखे, तो ये भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है जीवा लर्निंग सिस्टम में। तो प्रश्न ये होता उठता है कि जो नई शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि भाई हर बच्चा यूनिक है और उसको पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दो, और भगवान ने उसको कुछ ना कुछ दक्षता निपुणता दी है, उसको बाहर निकालो, और तीसरा उसको संस्कार दो ताकि वो अपने परिवार में प्यार से रह सके, समाज में मिलकर के चले और राष्ट्र का निर्माण करें।
तो फिर ये है कि पेरेंट्स से क्वेश्चन है कि क्या आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे में क्या पोटेंशियल है, बच्चे के अंदर आपके क्या दक्षता निपुणता है। तो आंसर अधिकतर पेरेंट का ये है कि यार हमें तो नहीं मालूम, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई हम ये जाने, क्योंकि हम तो बच्चे को इसलिए स्कूल भेजते हैं कि उसके 100 में से 100 नंबर आ जाए। और जितने भी स्कूल हैं उनका भी यही प्रयास होता है कि हमारा रिजल्ट 100% हो और बच्चे के 100 में से 100 नंबर हो, और इसका जो है कहीं अच्छी संस्था के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन हो जाए। तो ये हमारा बिलीफ, जैसे मैंने पहले बताया, ग्रोथ कम विद इन, लेकिन ग्रोथ को खोला कैसे जाए, उस बच्चे का जो ग्रोथ अंदर है उसको अनलॉक कैसे करें, वो तब होगा जब उसकी नेचर के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार उसका पालन पोषण किया जाए। अब ये कैसे जाने कि उसकी प्रकृति क्या है, तो यहां थोड़ा मैं बता दूं कि संसार में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन किसी का फेस नहीं मिलता, किसी का थंब इंप्रेशन नहीं मिलता, किसी की आयरस नहीं मिलती, और उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग सब भिन्न है। तो आप उनको एक ही तरह की शिक्षा, एक ही तरह का एग्जाम, एक ही तरह का कैसे करके आप उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हो, राइट? तो जैसे कि हम ये कहें कि हर बच्चा एक बीज है, यूनिक बीज है, और उस बीज को एक विशेष प्रकार का एनवायरनमेंट, खाद, पानी, मिट्टी चाहिए, इसी प्रकार बच्चे को भी एक विशेष प्रकार का एनवायरनमेंट पालन पोषण के लिए चाहिए ताकि वो अच्छा फल दे सके। और जिस प्रकार बीज के अंदर पूरे वृक्ष का एक प्रोग्राम छिपा होता है कि अगर इस बीज को एक हफ्ते में एक बार पानी मिले, 3 महीने में एक बार खाद मिले, और इसकी मिट्टी जो है पीली वाली होनी चाहिए या काली मिट्टी होनी चाहिए या ज़्यादा पानी सोखने वाली होनी चाहिए, अगर उसके अनुसार उसको बनाया जाए तो एक अच्छा वृक्ष बनेगा। इसी प्रकार बच्चे का भी बीज में वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी बनेगा वो उसमें छुपा होता है। तो उसकी प्रकृति के अनुसार बच्चे का पालन पोषण करना, जैसे मिट्टी को कुम्हार जो है, पॉटर, अलग अलग शेप दे देता है, वो अंदर से उसको सपोर्ट करता है और बाहर से पैटिंग करता है, इसी प्रकार हमें बच्चे का पालन पोषण करना होता है। तो हमने एक टूल किट बनाई है कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी है उसका कैसे हम एनालाइजेशन करें, कैसे हम उसको असेसमेंट करें कि ये बच्चा क्या है। तो इसमें 4 चीजें हैं। एक है आयुर्वेद के अनुसार बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, वात पित्त कफ जिसको बोलते हैं, कि बच्चे की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो किस प्रकार बिहेव करेगा और उसको किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए और किस प्रकार का भोजन अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, हर बच्चे के अंदर 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है कि अगर उसकी लिंग्विस्टिक हाई है तो भाषा में अच्छा है, लॉजिकल हाई है तो कैलकुलेशन में अच्छा है, इंटरपर्सनल हाई है तो कम्युनिकेशन में अच्छा है, अगर उसकी विजुअल हाई है तो डिज़ाइन में, इंटीरियर में अच्छा है। तो बच्चे की बुद्धि जो है प्रखर किस चीज़ में है और बच्चे की बुद्धि कमजोर किस चीज़ में है। अधिकतर भारत के अंदर अगर बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसको ट्यूशन लगा दें, मैथ का ट्यूशन लगा दें। तो आप मुझे बताइए कि अर्जुन को आर्चरी का ट्यूशन लगाओगे या गदा सिखाने का ट्यूशन लगाओगे। तो बच्चा जिस चीज में बेस्ट है उसको उसी में हीरा बनाइए, कोहिनूर बनाइए। हर बच्चा एक हीरा है, आवश्यकता है उसको तरास करके कोहिनूर बनाने की, ना कि जहां वो हीरा है ही नहीं वहां लोहे का बर्तन है वो, उसको पीट पीट करके आप कमजोर ना बनाए। तो ये एक हमारी फिलॉसफी है जीवन लर्निंग सिस्टम की कि बच्चा जिस चीज में प्रखर है उसकी पर्सनैलिटी को उसी में निखारे।
तीसरा हमारे शास्त्रों के अनुसार 9 प्रकार की स्वभाव होता है, नेचर जिसको कहते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है, एजुकेटिव नेचर है, एडवेंचरस नेचर है, एंटरप्रेन्योर नेचर है। अगर उसका नेचर व्यापार करने का है और वो सर्जन बन गया तो किडनी काटेगा, क्योंकि उसका दिमाग यही चलेगा भाई ऑपरेशन में 3 लाख मिलेंगे, किडनी जो है वो 30 लाख में बिकेगी, राइट। तो राइट पर्सन एट राइट प्लेस, तो करप्शन दूर करने का तरीका एक ही है कि व्यक्ति अपनी आनंद प्रकृति जिसमें उसको दे वही काम उसको दिया जाए, उसकी कम तनख्वाह भी होगी तो पीसफुल रहेगा, आनंद से रहेगा। जैसे लता मंगेशकर कभी स्कूल नहीं गई, कहते एक ही दिन स्कूल गई थी, अगर वो गाना ना गा रही होती तो क्या होती, लेकिन अगर उसने ये पा लिया, अपने आप को पहचान लिया कि भगवान ने मुझे गाने की कला दी है और उसी की उसने प्रयास किया प्रैक्टिस की, तो वो विश्व की बेस्ट गायक बन गई। तो अगर बिगर स्कूल जाए एक बच्चा विश्व का बेस्ट बन सकता है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा है, अपने बीज को उसी प्रकार का खाद पानी एनवायरनमेंट दे रहा है जैसा उसको चाहिए। तो ऐसा ही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दो, और भगवान ने जो उसको दक्षता निपुणता दी है उसी को निखारो, उसी को तराशो। जैसे एक ये मंत्र भी हमने यहाँ लिखा है, मंत्रम अक्षरा नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषा नास्ति योज का सा तत्र दुर्लभा। कोई बच्चा अयोग्य संसार में है ही नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता। नहीं भैया, इसको कुछ और आता है, राइट। जैसे कि क्रिकेट में एक विराट कोहली मान लो कि बैटिंग में अच्छा है, और अब आप उसको कहो भाई तू बॉलर अच्छा बन, तो क्या वो अच्छा बॉलर बनेगा या अच्छा विकेट कीपर बनेगा? एक बच्चा जिसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई है और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई है वो एक अच्छा वकील बनेगा, और अगर कमजोर है और आप उसको वकील बनाना चाहते हैं तो क्या वो अच्छा वकील बनेगा? तो ये जो दूसरा ये पॉइंट है ये इस चीज में हेल्प करता है कि बच्चा अपने आप के इनर को पहचान करके उसी के अनुसार अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करे और वो विश्व का एक विशेष हीरा बने। ये जीवा लर्निंग सिस्टम ने किया है। और चौथा इसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण टेस्ट है। अब ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि द्रोणाचार्य ने टेस्ट लिया था अपने 105 शिष्यों का, लकड़ी की एक चिड़िया वृक्ष पर रखी थी कि भाई कौन इसकी आंख में तीर मारेगा। तो अर्जुन को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जब वो बच्चा था कि ये बेस्ट आर्चर बनेगा वर्ल्ड का। तो उसी पर हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और बच्चे का जो है ये ऐसे ग्राफ आ जाता है कि उसकी हाई बुद्धि जो है प्रखर किस चीज में है और किस चीज में कमजोर है, और फिर इसी प्रकार जो है उसका जो स्वभाव है उसका ग्राफ आ जाता है। तो इन दोनों ग्राफों को देख करके फिर बच्चा ये डिसाइड करता है कि मुझे 9th में या 11th में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, मैं कौन से कॉलेज में पढ़ूंगा, मैं क्या बनूंगा, क्या मुझे या मेरे पिताजी को उस एडमिशन के लिए कॉलेज में कोई लोन लेना पड़ेगा, या मेरी सैलरी कितनी होगी, मैं अगर बिजनेस करूंगा तो ट्रेडिंग करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, किस तरह की करूंगा, वो सब बच्चे को स्कूल से ही क्लियर होना शुरू हो जाता है। फिर ये बच्चे का वातपित्त कफ टेस्ट है कि जैसे वात वाला प्रकृति वाला जो बच्चा है वो पतला होगा, वो लंबा होगा, कितना भी खिला लो वेट गेन नहीं करेगा, लेकिन वात माने वायु, चलायमान होगा, वो एक जगह रुक टिक कर नहीं बैठ सकता। फिर माँ बाप कहेंगे कि यार ये बच्चे ने नाक में दम कर रखा है,
लेकिन माँ उसे रोज वो भोजन खिला रही है जिससे बात बढ़े, राइट? तो बच्चे का क्या फॉल्ट है इसमें? फिर कहेंगे ये ढीठ है, ये सुनता नहीं है, ये बेकार है, जिंदगी में असफल होगा, राइट? ऐसे पितृ प्रकृति वाला जो डोमिनेटिंग होगा, जो सोच लेगा करके दिखाएगा, जिद्दी होगा, अड़ियल होगा, राइट? समझ गए ना? तो वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने उसको करके दिखाएगा, अटल होगा। तो इसका डाइट चार्ट फिर हम बच्चे को देते हैं। अब हमने क्या किया है कि जब तक हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा कुछ कहेगा पेरेंट की समझ में नहीं आएगा, तो हमने पेरेंट का भी ये टेस्ट फ्री करने का प्लान किया है कि जो भी स्कूल इसको लगाएगा उनके पेरेंट का भी हम ये टेस्ट करेंगे। फिर हमने एक योगा का प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि उसके परिवार के लोग योग करें और हेल्दी रहे, लेकिन उनके हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो हम एक नंबर देते हैं जो हमारा टेलीमेडिसिन सेंटर है आयुर्वेद का, कि वो कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर बच्चे के बिहेवियर की प्रॉब्लम है, ये जंक फूड खा रहा है, ये एरोगेंट है, इसको गुस्सा ज्यादा आता है, टेलीविजन ज्यादा देखता है, सुनता नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कॉल कर सकते हैं। हमारे साइकोलॉजिस्ट जो है, वैदिक साइकोलॉजी की भी हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है और वो आपको एक्सपर्ट फ्री कंसल्टेंसी देंगे। स्वाध्याय कैसे कर रहे हैं, इसका सिलेबस है, इसके लेसन प्लान्स हैं, इसकी एसओई फिलॉसफी है कि बच्चा 40 मिनट के पीरियड में तो सेल्फ को इम्प्रूव करे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दयालु बनूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, राष्ट्र का निर्माण करूंगा, पर्यावरण को शुद्ध रखूंगा, ठीक है ना? और इसमें दिनचर्या के नियम है कि बच्चा बिफोर स्कूल एंड आफ्टर स्कूल दिनचर्या के नियम फॉलो करे। तो पहला है सेल्फ अवेयर, वो अपने आप को अवेयर हो कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और यहाँ खराब हूँ। फिर दूसरा है सेल्फ मास्टरी, दिनचर्या और स्वाध्याय के द्वारा अपनी कमियों को दूर करें और अपने जीवन में आगे बढ़ता जाए, राइट? फिर सोशल एम्पथी एंड इंटेलिजेंस, फिर समाज में अपने आप को पेश करे कि देखिए मैं यहाँ अच्छा हूँ, और फिर अपनी आइडेंटिटी बनाए, डिसीजन मेकिंग एंड ऑनरशिप, राइट? कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो ये है, मैं यहाँ अच्छा हूँ, यहाँ अच्छा हूँ, यहाँ अच्छा हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, राइट? तो वो क्लियर हो गया कि एक अमेरिका की स्टूडेंट है, उसने 1.5 वर्ष लगा करके यहाँ पर इसमें PhD की, अब ये डॉक्टर है और वैदिक साइकोलॉजी की भी एक्सपर्ट है और मॉडर्न साइकोलॉजी की भी ये अमेरिका से पढ़ी हुई है, राइट? लेकिन इसने PhD जीवा लर्निंग सिस्टम से की है और ये 322 पेज की रिपोर्ट अमेरिका के रिसर्च पेपर्स में छपी है। इसका मेंटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से था, जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो बदलाव लाए, तो ये आप देखिए, नर्चरिंग एंड एम्पावरिंग द चेंज मेकर्स ऑफ टुमारो। हमें वो नहीं चाहिए कि ये पढ़ लिख करके टॉपर हो गए, ये IAS बन गए, लेकिन क्या वो मेरे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? क्या वो समाज में बदलाव ला रहे हैं? सेल्फ अवेयर कि बच्चा अपने आप को कैसे समझे, अपने आप को कैसे जाने कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो इसके वो टेस्ट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, और हर बच्चा स्वाध्याय करेगा स्कूल के लास्ट पीरियड में और सोने से पहले कि आज मैंने क्या क्या अच्छे काम किए और क्या क्या मेरे से गलत काम हुए, और फिर वो डायरी लिखेगा रोज, SOI डायरी, सेल्फ अदर्स एंड एनवायरमेंट। और पहले पीरियड में बच्चे एक दूसरे की डायरी चेक करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फिर दूसरा सेल्फ मास्टरी, यहाँ पर दिनचर्या और स्वाध्याय आता है कि बच्चे अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाए। मैं रात को लेट सोता हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं माँ बाप की बात नहीं मानता हूँ, भाई बहन से लड़ाई करता हूँ, या मैं क्या अच्छा काम करता हूँ, उसको इम्प्रूव करें।
फिर तीसरा सोशल इंटेलिजेंस, बुद्धिमता से जो आपका गुण है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में पहले समाज में अप्लाई करके देखें और फिर उसको प्रैक्टिकल अनुभव ले कि जब मैं उस ज्ञान को समाज में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, किन मुसीबतों का या मुझे किन चीज़ों की नीड है। और फिर आता है डिसीजन मेकिंग एंड ओनरशिप, फिर बच्चे का डिसीजन पक्का हो जाता है कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी पर्सनैलिटी ये है और अब मेरे जीवन का रास्ता साफ है, मुझे ये करना है और मैं यहीं पर सफल होऊंगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ट्रू ग्रोथ कम्स फ्रॉम विदिन, कि ग्रोथ अंदर से आती है और ग्रोथ अनलॉक होती है जब हम बच्चे के स्वभाव के अनुसार उसको शिक्षा देते हैं और फिर पूरा जीवन उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसीज है, जो स्किल्स है, उनको उसी के अनुसार डेवलप करते हुए हम चले जाएंगे। तो ये पूरा एक हमने एजुकेशन सिस्टम बनाया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। अब ये अगला है, हमने एक कंपास बना दिया है, जैसे आप शिप में जा रहे हैं या हवाई जहाज में उड़ रहे हैं तो उसमें एक कंपास होती है जो पायलट को डायरेक्शन देती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी प्रकार ये बच्चे के जीवन की कंपास है। तो इसमें कहते हैं कि आपने चारों वेद पढ़ लिए तो क्या आपके एटीट्यूड में, बिहेवियर में बदलाव आया? अगर आपके बिहेवियर में बदलाव नहीं आया तो शिक्षा का क्या फायदा? आपने पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली, पूरी पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन आपको अपनी ट्यूबलाइट बदलनी नहीं आती, आपके घर में आपका टैप खराब हो गया उसको ठीक करना नहीं आता, राइट? तो आप में अगर स्किल नहीं आई तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। अब इसके लिए जो हमारी सरकार ने शिक्षा नीति का आधार बनाया, वो बनाया पंचकोश, कि हमारे माइंड की पांच लेयर्स हैं और पहला है अन्वय कोश, जिसमें हमारी पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, तो इसको हमने यहां लिया है फिजिकल वेलबींग, कि बच्चा फिजिकली जो है स्वस्थ कैसे रहे। दूसरा है हमारी पांच कर्मेंद्रियां और पांच प्राण, प्राणवायु, अपानवायु, समानवायु, उड़ानवायु, व्यानवायु। तो ये क्या है? हमारी सोशल स्किल्स है कि हम समाज में कैसे कार्य करें। कर्मेंद्रियों से हम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो समाज में हमारे साथ जो व्यवहार कैसा होना चाहिए, उठना बैठना, कार्य करना, अपने चीज़ों को सही तरीके से प्रयोग करना, ये कैसे बच्चों को सिखाया जाए। फिर तीसरा है कि पांच ज्ञानेंद्रियां और मन, तो ये हमारी इमोशनल स्किल है कि जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे भावनाएं हैं, क्योंकि मनुष्य भावनाओं के अनुसार ही कार्य करता है। तो आपकी अच्छी भावनाएं हो, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें और कार्य करें। और नेक्स्ट है आपका अहंकार और बुद्धि, तो इसको हम इंटेलेक्चुअल वेलबींग कहते हैं, राइट? और लास्ट में है स्पिरिचुअल वेलबींग, जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं, जो हमारा चित्त है, चित्त की शुद्धि कैसे की जाए और कैसे हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएं और इस विश्व को भी आगे बढ़ाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी फिलॉसफी पर भारत की संस्कृति टिकी है, वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार माने, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, रेपु शांति, वनस्पति शांति, अंतरिक्ष में, जल में, थल में, पानी में, वनस्पति में, सब जगह शांति स्थापित हो, ऐसे हमारे पूर्वजों ने शांति पाठ मंत्र बनाए। और इसीलिए भारत को राष्ट्र कहते हैं, भारत एक देश नहीं है, भारत एक राष्ट्र है, इसीलिए भारत विश्व गुरु था और इसी शिक्षा नीति के द्वारा दोबारा भारत विश्व गुरु बने। बिल्कुल, देखिए ये ऐसी चीजें हैं
माँ बाप का इन्वॉल्व होना, शामिल होना उसी तरह से बहुत जरूरी है जैसे शिक्षक का। हमारे यहाँ एक बच्चे की जिंदगी में माँ बाप और शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो जो भूमिका है वो डिसाइड करती है कि बच्चा किस ओर जा रहा है। हम बच्चे को आज समझ ही नहीं पा रहे हैं। स्कूलों में भी उसी तरह की एक शिक्षा बस व्यवसायीकरण कर हो गया है उसका। और मैंने जब खुद, मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा, मैंने खुद देखा कि किस तरह से व्यवसायीकरण हुआ है और वहां कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जा रही है बच्चों को। तो भारत सरकार ने जो ये शिक्षा नीति लाई गई है भारत सरकार द्वारा, ये भारत को, हम बहुत सारी बात कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें फिर से वो गौरवशाली इतिहास हासिल करना है, तो ये इतिहास हासिल करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना होगा। इसी से पता चलता है कि शिक्षा नीति बन तो गई लेकिन उसको लागू नहीं कर पा रहे थे जो वहां बैठे हुए अधिकारी थे, क्योंकि उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है कि किस तरह से। इसीलिए जीवा संस्थान जैसे लोग जिन्होंने पश्चिमी संस्कृति को भी देखा, भारतीय संस्कृति को भी देखा, और मैं, हमारे जो ऋषिपाल चौहान साहब हैं, इनके, इन तीनों भाइयों को बड़े अच्छे से मैं जानता हूं, किस तरह से इन्होंने अध्ययन किया भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज का और विदेशी समाज का, उसके जरिए ये इस शिक्षा नीति को 20 साल से यहां चला रहे हैं और सरकार ने उसे लागू किया है, सरकार उसको लेके आई है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस शिक्षा नीति के जरिए जो दास प्रथा बनाई जा रही थी पुरानी शिक्षा नीति के जरिए, शायद ये खत्म होगी, शायद बदलाव आएंगे, हमें यही उम्मीद है। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति के अनुसार स्किलफुल होंगे और भारत की जो, वो जो, जिसे कहते हैं ना हम कि हमारे एंसेस्टर और तमाम चीजें और वो संस्कृति, वो फिर से हम लेके आएंगे, क्यों नहीं ला सकते हैं। देखिए जीवा ग्राम इतने सालों से कर रहा है और वो अपने बच्चों को स्किलफुल बना रहे हैं। मैं, मुझे लगता है कि 7-8 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैंने देखा, यहाँ आकर पहला इंटरव्यू किया तो तब मुझे चौहान साहब ने बताया था कि किस तरह से हम ये कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त ही बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा सरकार क्यों नहीं कर रही, मैंने उस वक्त भी लागू किया था, तो उन्होंने कहा पता नहीं जी हमें तो कैसे नहीं कर रही। लेकिन आज देखिए हमें बड़ी खुशी है कि सरकार इसको लागू कर रही है और ये संस्कृति बढ़ रही है। तो सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। आपका धन्यवाद, आपने हमारा इंट्रो लिया और ये ज्ञान पूरे भारत को मिले और भारत इसके ऊपर चले, यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारी आशा है। नमस्कार, जय हिंद।